तो यार फाइनली अमलेश नागेश का मूवी सिनेमा घर में आ गई है और बवाल मचा रही है। तो यार हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फिल्म की कहानी और बजट कितना है और इसमें अमलेश नागेश का किरदार क्या है। इस मूवी में दरअसल बताया क्या गया है, हम इस वीडियो में इस पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो के पॉइंट में आते हैं और शुरू करते हैं। तो यार इसमें स्टार कास्ट की बात करते हैं तो अमलेश नागेश और एलिसा घोष है, डायरेक्टर वही सतीश जैन है, प्रोड्यूसर छोटे लाल साहू है और इस गाने में पूरा आवाज दिया है सुनील सोनी और अनुपमा मिश्रा ने। वही इसमें पूरी संगीत जो इस फिल्म का है वह है सुनील सोनी का ही है। इसमें कोरियोग्राफी किया है चंदन दीप ने और इस फिल्म का बजट 70 से 80 लाख के आसपास है। तो यार 5 मई को रिलीज हुई मूवी अब पूरे प्रदेश में धूम मचा रही है। मोर छैया भूया और हंस जन पगली फंस जबे जैसे कीर्तिमान रचने वाले सतीश जैन द्वारा, जिन्होंने स्वयं इस फिल्म को लिखा है और इसके फिल्म के गानों को उन्होंने ही लिखा है। तो यार सतीश जैन सर ने इस बार ऐसे नाटेदार कहानी लिखी है कि आम दर्शक खुद को इस फिल्म को समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिल्म में अमलेश नागेश एक आम आदमी छत्तीसगढ़िया लड़के का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं और एलिसा घोष अपने मर्यादित व खूबसूरत प्यार में माया में बांध लेता है अमलेश नागेश को। अपने प्यार में बंधे हुए अमलेश नागेश को प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि यह फिल्म एकदम साफ सुथरी और पारिवारिक है, आप इसे परिवार के साथ भी आनंद ले सकते हैं। वैसे तो इस फिल्म को 20 सिनेमा घरों में ही रिलीज किया गया है। अब देखना यह होगा कि यह हंस जन पगली फंस जबे जो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा हिट साबित हुई फिल्म है, क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा यह फिल्म, अब देखना यह होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यह फिल्म रिकॉर्ड तोड़ पाएगा हंस जन पगली फंस जबे का, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप यह फिल्म देख चुके हैं, अगर देख चुके हैं तो फिल्म का अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा यह मूवी। यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।